जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं स्वामी राजर्षि शनि पीठ मंदिर ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ और एस्ट्रोलॉजी में रुचि रखता हूँ। 10 वर्ष की आयु से ही मैं अपने पूज्य पिताश्री गुरु रजनीश ऋषि जी के निर्देशन में एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एवं धन ग्रंथों का अध्ययन कर रहा हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है जिसके सिद्धांतों को हमारे ऋषि मुनियों ने वर्षों की तपस्या से और रिसर्च कर हमारे धर्म शास्त्रों में अंकित किया है। मैं आज इन्हीं वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर और आज के ग्रह नक्षत्रों की स्थितियों के आधार पर आपको आपका राशिफल बताने जा रहा हूं। तो क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसा रहेगा आज आपका दिन, क्या करें क्या ना करें, किन चीजों से सावधान रहना है, ये सब जानने के लिए आखिर तक देखते रहिए आज का राशिफल। आज 22 मार्च 2019 दिन शुक्रवार, चैत्र मास का कृष्ण पक्ष चल रहा है और आज प्रतिपदा तिथि सुबह 4 बजे तक रहेगी और उसके बाद द्वितीय तिथि लग जाएगी। आज अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:03 से लेकर 12:52 तक रहेगा। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करने से आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी। आज राहु काल सुबह 10:57 से लेकर 12:27 तक रहेगा। इस दौरान आप किसी भी शुभ कार्य को करने से बचें। यदि आप भी अपने जीवन में किसी भी समस्या का सामना कर रहे हैं, चाहे वे आपकी पढ़ाई में असफलता, नौकरी ना मिल पाना या बार बार आपका प्रमोशन रुक जाना या सरकारी कर्मचारियों का बार बार ट्रांसफर हो जाना या आपके व्यापार में आपको भारी लॉसेस उठाने पड़ रहे हैं या आपके विवाह में देरी हो रही है या आपके गृहस्थ जीवन में हमेशा कलेश की स्थिति बनी रहती है या आपके बच्चों का स्वास्थ्य बार बार बिगड़ जाता है या अपने जीवन में आप अन्य किसी समस्या से परेशान हैं, तो तुरंत ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क करें और मुझसे यानी कि स्वामी राजर्षि से अपनी कुंडली दिखवाकर ऐसे उपाय प्राप्त करें जिनसे निश्चित तौर पर आपको अपनी समस्याओं में फायदा महसूस होगा। आज मैं आपको एक ऐसा चमत्कारी उपाय बताने जा रहा हूं जिसे करने से यदि किसी व्यक्ति को बुरी नजर लग गई है तो तुरंत ही उस बुरी नजर का असर उतर जाएगा। यदि आप भी आज इस उपाय को जानना चाहते हैं तो लास्ट तक मेरा ये वीडियो देखते रहें। आइए अब जानते हैं कि मेष यानी कि एरीज राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा। आज आपका आलस्य ही आपका शत्रु बन सकता है और आप अपना पूरा दिन आलस्य की भेंट चढ़ा सकते हैं। इससे स्टूडेंट्स अपने सेट किए हुए टारगेट से पिछड़ सकते हैं और नौकरी पेशा व्यक्तियों के प्रोजेक्ट डिले होने से उनके वर्कलोड पाइल अप हो सकता है। आज आप प्रातः काल उठकर ऐसी फिजिकल एक्टिविटीज में भाग लें जो आपके अंदर ऊर्जा का संचार करें और आप आलस्य ना कर पाए। व्यायाम करना और जॉगिंग पर जाना आपके लिए उत्तम होगा। आज ऐसा हो सकता है कि आपकी मेहनत के अनुकूल आपको फल ना प्राप्त हो, परंतु आप निराश ना हो और इस बात को एक चैलेंज की तरह लेकर मेहनत करने का संकल्प करें। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपकी मेहनत के अनुकूल आपको फल प्राप्त नहीं हो रहे हैं और भाग्य आपका साथ नहीं देता है, तो तुरंत ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क करें और मुझसे यानी कि स्वामी राजर्षि से अपनी कुंडली दिखवाकर ऐसे उपाय प्राप्त करें जिनसे आपका भाग्य चमक उठेगा और आप दिन दुनी रात चौगुनी प्रगति करेंगे। आज आपको जरूरत है कि यदि आपसे कोई भूल चूक हो जाए तो उसे एक्सेप्ट करें और सुधारने की कोशिश करें। आज आपके बड़े भाई के घर से आपको अशुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। आज लोहे की एक गोली लाल रंग से पेंट करके अपनी जेब में रखें, इससे आपको अपने कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 2 स्टार देता हूँ। जिन भी व्यक्तियों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब का बटन दबाकर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर हमारे हर नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले पाएं। चलिए अब जानते हैं कि वृषभ यानी कि टॉरस राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। आज शराब, मांस और मदिरा का सेवन करना शनि देव जी को क्रोध कर सकता है, इसलिए आज आप इन चीजों से परहेज करें। आज वर्क प्लेस पर आपको प्रतिकूल हालातों का सामना करना पड़ेगा और आपके सहकर्मी आपके कार्यों में अड़ंगे लगाने की कोशिश कर सकते हैं। छोटी मोटी भूल चूक भी आज आपको भारी पड़ सकती है जिससे आप अपने बॉस की गुस्से के शिकार हो सकते हैं, इसलिए आज आप वर्क प्लेस पर अत्यधिक सावधानी बरतें और केवल अपने कार्यों पर ध्यान देकर उन्हें टाइम से कंप्लीट करने की कोशिश करें। स्टूडेंट्स को आज उनके अध्यापकों से डांट फटकार मिल सकती है,
और अपने सभी मित्रों के सामने अपनी गलतियां जाहिर होने से आज आपको शर्मिंदा भी होना पड़ सकता है, जिससे आज आपका मनोबल भी कम हो सकता है। आज आपको अंधे व्यक्तियों को लड्डू खिलाने चाहिए। आज कबूतरों को दाना डालना भी आपके लिए अत्यंत शुभ होगा। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको एक स्टार देता हूँ। आइए अब जानते हैं कि मिथुन यानी कि जेमिनी राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा। आज आपको रात में सोते वक्त दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि बुरे सपने आने से आज आपकी निद्रा भंग हो सकती है, जिससे आप सुबह उठकर चिड़चिड़ा महसूस कर सकते हैं। इसलिए आज सोने से पहले मेडिटेशन अवश्य करें, इससे आपको नींद अच्छी आएगी। आज यदि आप तीर्थ यात्रा पर जाने का विचार बना रहे थे तो अभी के लिए उसे टाल दें। अभी यात्रा में कठिनाइयों की वजह से आपको तीर्थ यात्रा बीच में ही छोड़कर आनी पड़ सकती है, या आपको अपनी यात्रा का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। आज आपको अपनी जुबान पर कंट्रोल रखने की जरूरत है, क्योंकि आज जुबान फिसलने से लोगों को आपकी बातें बुरी लग सकती हैं और वे आपकी बेशर्मी से नाराज भी हो सकते हैं। आज आपको अपनी बुआ के घर से अशुभ समाचार भी प्राप्त हो सकता है। आज आपकी बहन का स्वास्थ्य बिगड़ने से भी आपकी भागदौड़ बढ़ सकती है। आज आपका भाग्य भी आपका विशेष साथ नहीं दे रहा है और जुआ, सट्टा बाजार, शेयर मार्केट इत्यादि में आप अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई को नष्ट कर सकते हैं। आज यदि आपको विदेश यात्रा करनी है तो यात्रा में रुकावटों से आज आपकी यात्रा बहुत ज्यादा थकाने वाली होगी और जो आप कार्य करना चाह रहे थे उसमें भी अनावश्यक विलंब होगा। आज आप हरे रंग के वस्त्र को धारण करने से परहेज करें। आज आपको चावल और चने की दाल किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान देनी चाहिए। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको एक भी स्टार नहीं दूंगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कर्क यानी कि कैंसर राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा। आज छोटे बच्चों को चोट फाट लगने का खतरा बना हुआ है, इसलिए उनके माता पिता को उनका विशेष तौर पर ध्यान रखने की जरूरत है। आज आपके ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति को भारी बिजनेस लॉस भी हो सकते हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति आज गंभीर हो सकती है। आज आपको अपना विशेष तौर पर अत्यधिक सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि आज किसी दुर्घटना के शिकार होकर आप घायल हो सकते हैं। इसलिए आज यदि यात्रा करना अत्यंत आवश्यक ना हो तो उसे टाल दें और ड्राइविंग करते हुए भी जल्दबाजी ना करें और सभी ट्रैफिक रूल्स का दृढ़ता से पालन करें। आज आपको पेट के निचले भाग में दर्द की शिकायत हो सकती है या जलन भी महसूस हो सकती है, इसलिए आज आप सात्विक भोजन ही ग्रहण करें और तला भुना खाना भी अवॉइड करें। आज आपके परिवार के किसी व्यक्ति की अचानक तबियत खराब हो जाने की सूचना आपको प्राप्त हो सकती है। आज गले में चांदी की चेन धारण करना आपके लिए अत्यंत शुभ होगा। आज आप दुर्गा माता की उपासना करके उनसे अपने कष्टों का निवारण करने की मनोकामना मांगें। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 2 स्टार देता हूँ। यदि आपका या आपके बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आ पा रहे हैं, या नौकरी मिलने में समस्या हो रही है, या नौकरी तो मिल गई है पर प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, इनकम से ज्यादा खर्चा हो जाता है, ट्रांसफर हो रहे हैं, शादी नहीं हो पा रही है, या आपका अपना घर नहीं बन पा रहा है, आपका जो व्यापार है उसमें वृद्धि नहीं आ पा रही है, आपके पास धन की कमी बनी रहती है, या आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, आप हर समय बीमार रहते हैं, या आपके बच्चे बीमार रहते हैं, या अन्य ऐसी किसी भी समस्या से आप पीड़ित हैं, तो आप स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर, हमारी वेबसाइट पर जाकर, या ईमेल के माध्यम से, या व्हाट्सएप वीडियो कॉल के द्वारा गुरु रजनीश ऋषि जी से, या गुरु मां रुक्मणी जी से, या न्यूमरोलॉजी के माध्यम से अपने लिए या अपने बच्चों के लिए एक लकी नाम जानने के लिए, अपने व्यापार के लिए एक भाग्यशाली नाम जानने के लिए, जिससे कि आप दिन दुनी रात चौगुनी प्रगति करें, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, जिसके लिए आपको एक छोटी सी फीस जरूर देनी होगी, जिसका प्रयोग शनिपीठ मंदिर की व्यवस्था चलाने के लिए, हमारे द्वारा गरीब लड़कियों के लिए फ्री कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाने के लिए, धर कर्म के काम जैसे कि यज्ञों महायज्ञों के आयोजन के लिए, प्रसाद एवं लंगर के वितरण के लिए किया जाता है। आपके द्वारा दी गई इसी फीस में से हम अगले दिन प्रमुख रूप से आपके नाम से आपके लिए पूजा अवश्य करते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सिंह यानी कि लियो राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा। यदि आप अपने भाइयों या अपने मित्रों के साथ पार्टनरशिप में व्यवसाय करते हैं तो आज आपके गलत डिसीजन के कारण आपको व्यापार में हानि उठानी पड़ सकती है, जिससे आपके बिजनेस पार्टनर के साथ आपका झगड़ा भी हो सकता है।
लेखकों को आज नए आइडियाज की कमी सताएगी और वे अपनी राइटिंग में फ्रेशनेस नहीं मेंटेन कर पाएंगे। घिसे पिटे आइडियाज आज मन में आने से आपकी अपने कार्यों में रुचि नहीं रहेगी। आज आपके गृहस्थ जीवन में आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है और अपने लाइफ पार्टनर के साथ कलह होने से आज आप मानसिक रूप से परेशान हो सकते हैं। आज आपको जरूरत है कि आप अपने पार्टनर के साथ तोल मोल कर बातें करें और एक दूसरे की छोटी मोटी गलतियों को नजरअंदाज कर दें। आज बेवजह शक करने से आप दोनों के संबंध टूटने के कगार पर पहुंच सकते हैं। यदि आप अपने वैवाहिक जीवन में आए दिन दिक्कतों का सामना करते हैं और आपका अपने पार्टनर के साथ मन मुटाव भी बना रहता है तो तुरंत ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क करें और गुरु रजनीश ऋषि जी या गुरु अनुपमणि द्वारा अपनी और अपने पार्टनर की कुंडली दिखाकर ऐसे उपाय प्राप्त करें जिनसे आपके प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 3 स्टार देता हूं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कन्या यानी कि वर्गो राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा। आज छात्रों की विद्या में बाधाएं उत्पन्न होंगी और जब भी वे पढ़ने बैठेंगे किसी न किसी डिस्ट्रैक्शन के कारण उनको अपनी पढ़ाई के बीच में ही छोड़कर उठना पड़ेगा, जिससे आज उनकी एकाग्रता भी भंग होगी। आज यदि आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाह रहे हैं या ऑनलाइन कोर्स परचेज करना चाह रहे हैं या ऐसा कोई भी इन्वेस्टमेंट अपनी पढ़ाई के संबंध में करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आज का दिन शुभ नहीं है। अभी आप इन विचारों को अपने मन से निकाल दें। आज नौकरी पेशा व्यक्ति अपने परिवार के सदस्यों को नाराज कर सकते हैं क्योंकि आप केवल अपने काम में ही लगे रहते हैं और आपके पास अपनी फैमिली के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। इसलिए आज आपको जरूरत है कि आप अपने टाइम मैनेजमेंट को इम्प्रूव करें और अपने परिवार के सदस्यों के लिए भी समय निकालें। आज आपकी ईमानदारी आपके भाग्य को चमका सकती है, इसलिए गलत रास्तों से धन एकत्रित कर लेने के बावजूद भी आप वो सुख और चैन हासिल नहीं कर पाएंगे जो आपकी मेहनत की कमाई दे सकती है। आज आपके शत्रुओं का बल बढ़ जाएगा और वे आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए आज आप अत्यधिक सावधानी बरतें। आज सोने की चेन गले में धारण करने से आपका भाग्य चमक सकता है। आज कुंवारी कन्याओं को अपने घर पे आमंत्रित करके उन्हें भोजन कराएं और उसके बाद उनका आशीर्वाद लें, इससे बुध देवता आपसे प्रसन्न होंगे। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 3 स्टार देता हूं। आइए अब जानते हैं कि तुला यानी कि लिब्रा राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा। आज गैस, बदहजमी या पेट के अन्य विकारों के कारण आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, जिससे आज आपका मन अपने कार्यों में नहीं लग पाएगा और आपकी एफिशिएंसी भी आज अफेक्ट होगी। ये सब अनहाइजीनिक खाना खाने से हो सकता है, इसलिए अपनी दिनचर्या का निरीक्षण करें और इसके कारण का पता करें। आज आपको आकस्मिक धन लाभ हो सकता है। आज लेखकों और प्रिंटिंग प्रेस के कार्यों से जुड़े व्यक्तियों को धन अर्जित करने के अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं। आज अय्याशी करना युवकों को भारी पड़ सकता है और आज इससे उनके परिवार के मान सम्मान को भी ठेस पहुंच सकती है। छात्रों का मन आज पढ़ाई में ना लग पाने के कारण वे विचलित हो सकते हैं। आज इजी सवालों में भी सिली मिस्टेक्स करने से आपकी मेहनत व्यर्थ हो सकती है और आपका कॉन्फिडेंस भी आज इससे डाउन हो सकता है। यदि स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि उनका मन पढ़ाई में नहीं लग पा रहा है या मेहनत करने के बावजूद भी उनको अपनी मेहनत का फल प्राप्त नहीं होता है और एग्जाम्स में उनके नंबर कम आते हैं तो तुरंत ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क करें और मुझसे यानी कि स्वामी राजर्षि से अपनी कुंडली दिखवाकर ऐसे उपाय प्राप्त करें जिनसे आपकी पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी और जो भी एग्जाम्स आप अपने जीवन में देंगे उनमें आप सफलता प्राप्त करेंगे। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि यदि हमारे बताए उपाय आपको फायदा नहीं करते हैं तो हम आपके उपाय पर खर्च किए सभी धन को लौटा देंगे। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 2 स्टार देता हूं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा। आज वर्कप्लेस पर जाते वक्त वाहन में खराबी आ सकती है, जिससे आज आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है और वाहन की मरम्मत के कार्यों में आज आपका धन और समय दोनों नष्ट होंगे। आज प्रॉपर्टी की डील करने के लिए भी दिन शुभ नहीं है। आज आपकी माता जी की तबीयत खराब हो सकती है, जिससे आज आपके परेशानियां बढ़ सकती हैं और आज आपको डॉक्टर के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। आज हार्ट पेशेंट्स को अपना विशेष तौर पर ध्यान रखने की जरूरत है। आप अपनी दवाई लेने में बिल्कुल भी ढील ना दें, अन्यथा आप अपने परिवार की चिंताएं बढ़ा सकते हैं। आज चांदी का चौकोर टुकड़ा चांदी की चेन में गले में धारण करने से आपको मानसिक शांति का अनुभव होगा। आज केसर का तिलक माथे पर लगाना भी आपके लिए शुभ होगा। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 2 स्टार देता हूं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि धनु यानी कि सैजिटेरियस राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा।
आज ठंड लगने से या सर्दी गर्मी होने से आपको खांसी जुकाम होने की संभावना दिखाई दे रही है, इसलिए आज आप अपना ध्यान रखें। आज आपके ताया जी या चाचा जी के घर से भी आपको अशुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। आज आपको अपनी फिजूल खर्ची पर भी कंट्रोल करने की जरूरत है, क्योंकि आप अपना पैसा ऐसी चीजों में व्यर्थ कर देते हैं जिनकी आपको जरूरत भी नहीं है। इसके बजाय आपको अपनी मेहनत की कमाई में बरकत के लिए किसी समझदार व्यक्ति से सलाह लेकर सही जगह पर इन्वेस्ट करना चाहिए। परंतु आज आपके व्यवसाय में आपको आम दिनों के मुकाबले कई गुना मुनाफा होता हुआ नजर आ रहा है और आज आपके व्यापार की पॉपुलैरिटी में भी इजाफा होगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की मुलाकात आज इन्फ्लुएंशियल क्लाइंट से हो सकती है, जिससे भविष्य में चलकर उनको फायदा मिलेगा। प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर्स के लिए भी आज का दिन अत्यंत शुभ है, आज आपसे ज्यादा पेशेंट्स मिलने आएंगे। आज पक्षियों के लिए दाना पानी का इंतजाम करने से आपके व्यापार में आपको सफलता प्राप्त होगी। आज दमे के रोगियों की चिकित्सा के लिए किसी चैरिटेबल हॉस्पिटल में डोनेशन देने से भी आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 3 स्टार देता हूँ। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा। आज सट्टा और जुए बाजार में धन लगाने से आपका धन नष्ट हो सकता है, इसलिए आज इन चीजों से दूरी बनाए रखें, यही आपके लिए बेहतर होगा। स्टूडेंट की स्टडीज में आज बाधाएं आएंगी और आज डिफिकल्ट सवालों के चक्कर में आप अपना समय व्यर्थ कर सकते हैं। आज आपको अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स को रिवाइज करना चाहिए और नए सब्जेक्ट्स को स्टार्ट करने से परहेज करना चाहिए। आज यदि स्टूडेंट्स ने अपने पिताजी के साथ कहीं घूमने जाने का प्लान बना रखा है तो आज आपके पिताजी को अचानक किसी अर्जेंट मीटिंग के लिए जाना पड़ सकता है, जिससे आपका प्लान आज कैंसिल हो सकता है। आज आपके बच्चों को भी असफलता मिलेगी, जिससे उनका मनोबल कम हो सकता है, इसलिए आज उनका हौसला अफजाई करने के लिए और उनका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए आपको उनके साथ अपनी एक्सपीरियंसेस को शेयर करना चाहिए। आज आपके पितृपक्ष के किसी व्यक्ति को भारी आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। आज अपने माथे पर केसर का तिलक अवश्य लगाएं। आज नहाने के पानी में दही मिलाकर स्नान करें। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 3 स्टार देता हूं। अब मैं आपको वो चमत्कारी उपाय बताने जा रहा हूं, जिससे यदि आपको या आपके सगे संबंधी को किसी की बुरी नजर लग गई है तो वह नजर उतर जाएगी। आज आप नजर लगे हुए व्यक्ति के ऊपर से 225 ग्राम फिटकरी को 21 बार उतारकर किसी चौराहे पर फेंक दें तथा पीछे मुड़कर ना देखें और घर वापस आ जाएं। यदि आज आप इस उपाय को श्रद्धा पूर्वक करते हैं तो निश्चित तौर पर उस व्यक्ति से बुरी नजर का असर खत्म हो जाएगा। आइए अब जानते हैं कि कुंभ यानी कि एक्वेरियस राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा। आज आपका स्वास्थ्य बिगड़ने से आप अपने कार्यों में रुचि नहीं ले पाएंगे। आज आपका गुस्सा बढ़ने से भी आप हर किसी से लड़ने के लिए उतारू रहेंगे, जिस कारण लोग आज आपसे दूर भागेंगे। इसलिए आज आपको अपना गुस्सा शांत करने के लिए मेडिटेशन का सहारा लेने की जरूरत है, इससे आप अपनी एक्सेसिव एनर्जी को सही दिशा में चैनल कर पाएंगे। परंतु आज आप अपने व्यवहारिक कुशलता से अपना काम किसी से भी निकलवा पाने में सफल होंगे, जिससे आज आपका कोई भी काम नहीं रुक पाएगा। आज दांतों में दर्द से आप परेशान रह सकते हैं, जिससे आज आपको डेंटिस्ट के पास जाने की नौबत भी आ सकती है। आज आप कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ना खरीदें, इससे आपके घर में अशांति का माहौल बन सकता है। आज आप हरे रंग के कपड़े धारण करने से भी परहेज करें। आज काले कुत्ते की सेवा करना भी आपके लिए अत्यंत शुभ होगा। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 1 स्टार देता हूँ। चलिए अब जानते हैं कि मीन यानी कि पाइसेस राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा। यदि आपके दोस्तों के बीच झगड़ा हो गया है तो आज आप मध्यस्थता ना करें। आज आपकी जुबान फिसलने से आपके दोस्तों के बीच की लड़ाई और बढ़ सकती है। आज आप अपने स्वार्थ पूर्ति हेतु कार्य करेंगे, पर आपके आसपास के लोग आपकी इंटेंशंस को भाप लेंगे और आपको एक मतलबी इंसान के तौर पर देखेंगे। आज आपको अपनी स्किन की केयर करनी है, क्योंकि आज आप दाद, खाज, खुजली इत्यादि परेशानियों से चिड़चिड़े हो सकते हैं, इसलिए अपने पर्सनल हाइजीन का पूरा ध्यान रखें। एक इंसान की पहचान उसकी संगत से होती है और आज आपकी खराब संगत समाज में आपकी इज्जत को कम कर सकती है, इसलिए सज्जनों के साथ ही मित्रता करें और यदि आपके मित्रों को गलत आदतें लगी हुई हैं तो उनका साथ तुरंत छोड़ दें। आज खर्चे बढ़ने से आपको मानसिक तनाव भी हो सकता है। व्यवसायिक व्यक्तियों को आज अपने व्यापार में छोटा मोटा नुकसान हो सकता है, परंतु आप घबराए नहीं और अपने परिश्रम में कोई भी कमी ना आने दें। जल्द ही आपको अपनी मेहनत का मनवांछित फल
प्राप्त होगा। आज पीले धागा गले में धारण करने से आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। आज मंदिर में रेता दान करना भी आपके लिए शुभ होगा। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 2 स्टार देता हूँ। क्या अभी तक आपकी शादी नहीं हुई? क्या आपको योग्य जीवन साथी नहीं मिल पा रहा? क्या आप अपने प्यार को मैरिज में कन्वर्ट करना चाहते हैं? क्या आप अपनी लवर से शादी करना चाहते हैं? क्या आपका रिश्ता होकर के टूट जाता है? तो आज ही 133 देशों में प्रसिद्ध शनि मंदिर वाले परम पूज्य गुरु रजनीश ऋषि जी से अपनी सभी समस्याओं का समाधान जानिए। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें